नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का समय खत्म होने से एक दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी को भी याद आया कि उन्हें भी दिल्ली जीतने की थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी चाहिए। तो 5 फरवरी को वो अपने घर से निकले और चुनाव के लिहाज से 2 रैलियां कर डाली। रैलियां की, लेकिन लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्हें भाषा की मर्यादा को तार तार करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाषा की मर्यादा को पहली बार लांघा गया हो। चुनावी मौसम है और दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध चरम पर है। शाहीन बाग के बहाने लोग केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। वहीं बीजेपी के नेता भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर भाषा का ज्यादा मान नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक शांत बैठे राहुल गांधी अचानक उठे और सीधे देश के प्रधान सेवक के लिए आपत्तिजनक बातें बोल दी। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। कहा, ये जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहा है, 6 महीने बाद ये घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दिए बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए शहजादे साहब ने किस तरह से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। ये साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इनको मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस को पहले ही काफी मौके मिल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की तल्ख भाषा का इस्तेमाल करने से पहले राहुल गांधी को सोचना चाहिए था। देश के युवा को ही फैसला लेने दीजिए कि उन्हें पीएम मोदी के साथ क्या करना है, उनको डंडा मारना है या फिर उनको सिर आंखों पर बैठाना है। पहले तो राहुल गांधी को देश की कितनी चिंता है, वो देश के विकास के प्रति कितने सजग हैं, ये सभी को पता है। जब भी देश ने कांग्रेस की तरफ आस भरी नजर से देखा है, तब तब देश से मुंह फेरने का काम करने वाले राहुल गांधी देश के युवाओं से देश के प्रधान सेवक को डंडे पड़वाने की बात कह रहे हैं। फिर सीए का नाम लिए बिना राहुल गांधी ने इसे देश में बढ़ती हिंसा और नफरत का नाम दिया और तर्क दिया कि इसकी वजह से देश में निवेश ही नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक कई देश भारत में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, क्योंकि पहले लोग चीन में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब क्योंकि वहां कोरोना वायरस का प्रकोप है तो लोग चाहते हैं कि चीन को कोई ना कोई बैलेंस करे। लोग भारत आना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भारत में बढ़ रही हिंसा और नफरत की वजह से भारत में इन्वेस्ट करने से बच रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा। हालांकि उनके लिए पीएम मोदी के लिए उपयोग किए गए तल्ख शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इतना कहा कि केजरीवाल और नरेंद्र मोदी की राजनीति नफरत के आसपास घूमती है। मोदी और केजरीवाल का एक ही फंडा है, लोगों को बांटो। इसके बाद फिर चांदनी चौक में आयोजित अपनी दूसरी रैली में राहुल गांधी ने फिर एक बार रोजगार का मुद्दा उठाया। कहा कि युवाओं का सबसे बड़ा डर बेरोजगारी है और मोदी इस डर का लाभ उठाते हैं। वो नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले, क्योंकि ये उनकी राजनीति के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। और सिर्फ दिल्ली के सीएम और देश के प्रधानमंत्री ही क्यों, देश के गृह मंत्री के लिए बिना बोले कहां रह सकते थे राहुल गांधी। जब प्रचार प्रसार करने निकले हैं तो सबको लपेटना ही था। जी भर के अपनी भड़ास भी निकाली और दिल्ली चुनाव में शामिल अलग अलग पार्टियों के नेताओं पर हमलावर भी रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने उनके भाषणों को कूड़ा कचरा बताया। राहुल गांधी ने लोगों को सलाह दी कि वो उनका भाषण नहीं सुने, क्योंकि वो कुछ नहीं सिर्फ कूड़ा है। मोदी और केजरीवाल का भाषण भी सिर्फ झूठ है। शीला दीक्षित के नेतृत्व में रही कांग्रेस की सरकार की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की या फिर केजरीवाल की तरह बहाने भी नहीं बनाए। राहुल गांधी को लग रहा है कि वो रोजगार के मुद्दे की आड़ में लोगों से अपने लिए वोट मांग लेंगे। हालांकि उन्होंने कोशिश भी की, कहा कि अब वास्तविक देशभक्ति युवाओं को रोजगार देने में है और मैं उसे पूरा करूंगा। मतलब राहुल गांधी युवाओं को रोजगार देंगे, इसलिए दिल्लीवासी कांग्रेस को अपना वोट दे दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने मठिया महल विधानसभा में संयुक्त रूप से जनसभा की। हौज काजी चौक इलाके में रैली को संबोधित कर केंद्र को और केजरीवाल को कई मुद्दों पर घेरा। अपने नेतृत्व की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि न प्रधानमंत्री और न ही मुख्यमंत्री कोई भी सुरक्षा की बात नहीं करते, वो सिर्फ प्रचार करते हैं।
20 साल पहले मैं अपने पति के बिजनेस के लिए तुर्कमान आती थी, तब मेट्रो नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे, फिर कांग्रेस की सरकार आई और आज केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली के लिए मेहनत की, लेकिन उन्होंने तो शीला जी के मॉडल पर मॉडलिंग कर ली। आपको बता दें कि बीजेपी दिल्ली की सत्ता से पिछले 21 साल से दूर है और पार्टी इस बार अपने दिल्ली के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। पीएम मोदी की दिल्ली में रैलियां करने से दिल्ली में मतदाताओं का मन भी बदलता हुआ इंटरनल सर्वे में दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी पिछले 5 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाकर और बीजेपी को कोसकर वोट पाना चाहती है, तो वहीं मोदी दिल्ली की हालत को सुधारने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हर बुनियादी मुद्दे को उठाकर साथ ही कांग्रेस और केजरीवाल की तरफ से की गई गलतियों को गिनाकर सत्ता पाना चाह रही है बीजेपी। बाकी डूबती कांग्रेस तो एक आध सीट निकाल लेने के सपने के साथ ही मैदान में उतरी है, ऐसा लगता है। दरअसल बीजेपी को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 56.6% वोट हासिल कर विपक्ष का पूरी तरह सफाया कर दिया था। अब दिल्ली में भी वो ऐसा ही कुछ कमाल दिखाने का सपना देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 8 फरवरी को मतदान के बाद 11 फरवरी को किस पार्टी को अपनी तीखी टिप्पणियों, अपने विवादित बयानों, भाषा की मर्यादाओं को लांघ देना या फिर इन सब का किस तरह का फायदा मिल पाता है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने इतने प्यार से मेरा भाषण सुना, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो सरकार युवा रोजगार चाहता है, युवा विकास चाहता है, युवा प्रगति चाहता है, और नरेंद्र मोदी उसी युवा को पीटता है, पुलिस से गोली मरवाता है। ये बयान सुनिए, बहुत मजेदार बयान है। गृह मंत्री जी आए प्रचार करने, गृह मंत्री जी ने क्या कहा? कहा कि हम दिल्ली को यूपी की तरह बना देंगे। अब मैं यूपी की प्रभारी हूं कांग्रेस पार्टी की, थोड़ा बता दूं कि उन्होंने यूपी का क्या बनाया है। देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था, आज क्या हालात है वहां की, भाजपा के सरकार ने किस तरह से यूपी की जनता को त्रस्त किया है मैं बताती हूं। यूपी की जो बेरोजगारी की दर है वो देश में सबसे ऊंची है। हर दो मिनट एक महिला के साथ बलात्कार होता है, हर 90 मिनट एक बच्चे के खिलाफ अपराध होता है, हर रोज 30 दलितों के साथ अत्याचार होता है। हत्या के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी सबसे ऊपर है और शिक्षा सबसे नीचे, स्वास्थ्य सबसे नीचे। तकरीबन 70,000 युवा शिक्षक भर्ती में के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये हालात हैं यूपी के, जहां इनकी सरकार 5 सालों से चल रही है। और ये आपके सामने आकर ये हिम्मत करते हैं कि आपको कहते हैं कि दिल्ली को भी यूपी की तरह बनाना चाहते हैं। यूपी सबसे सक्षम प्रदेश था और आज इसके ये हालात बना दिए इन्होंने। अपराध ही अपराध है, अराजकता है और विकास का कोई नामो निशान नहीं है। ये हुई भाजपा की बात। अब सुनिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहते हैं। आम आदमी पार्टी की ये स्थिति है कि इमारत बनाई शीला जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी इमारत बनाई, ऊपर से लीपा पोती करके कह रहे हैं कि यह इमारत हमने बनाई। दूसरों की मेहनत पर अपनी पुताई करना एक बात होती है, मेहनत से निष्ठा से एक इमारत को खड़ा करना, नए नए प्रोजेक्ट बनवाना, एक शहर को सक्षम बनाना, उसमें विकास लाना एक बहुत अलग बात होती है। आप जानते हैं कि शीला जी ने जब वो मुख्यमंत्री थी तो क्या नहीं किया दिल्ली के लिए।
हम सब दिल्ली के वासी हैं, दिल्ली में पले हैं, दिल्ली में बड़े हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा जितनी सड़कें यहां बनी उनके समय में, आज तक अगर आम आदमी पार्टी या भाजपा बता दे कितनी सड़क बनाई है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। फ्लाईओवर उन्होंने बनवाए, मेट्रो उन्होंने बनवाया, तमाम विकास के कार्य उन्होंने कराए।